सबको इतना मालूम है, पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 3 बार शिवराज जी मुख्यमंत्री बने। चाह रहा हूँ कि सिमरिया क्षेत्र की एक एक जनता जिसको मालूम है कि लड़ाई किस बात की, से तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। ये जेल में हमको जहर दे सकते हैं। किसके यहाँ छापा हमारे यहाँ पड़ रहा है ना आज रात। इसकी जानकारी कैसे, जानकारी कैसे मिली सर आपको? हमको 48 घंटा पहले अल्टीमेटम दिया गया था। मुझे मालूम है कि आज मेरे यहाँ ईडी का छापा पड़ना है, मेरे यहाँ इनको कुछ नहीं मिलेगा। जब किसी को मालूम है पड़ जाएगा उसका ईडी। चुनाव से रोकने ईडी का छापा मेरे यहाँ पड़ने वाला है। सिमरिया क्षेत्र की एक एक जनता को पता है कि मैं किसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। चुनाव में एक तरफा विद्रोह करके जनता ने इन्हें नहीं हराया तो फिर सिमरिया की जनता को कोई दूसरा अभय मिश्रा नहीं मिलेगा। सिमरिया विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा के निज निवास सुमन वाटिका रीवा में ईडी का छापा पड़ने की बात कही गई है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मुझे जेल जाने का डर नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे जो लंदन में पड़े हैं, दून में पड़े हैं, उनके खिलाफ भी ईडी मामला बनाकर उन्हें जेल भेज देगी, जबकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी कई कंपनी है, हर कंपनी में मेरे बच्चे और पत्नी के नाम है, जबकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। राजेंद्र के कहने पर ईडी आई। उन्होंने कहा कि मुझे 48 घंटे पहले ही मेरे किसी शुभचिंतक ने बता दिया था कि आपके यहाँ ईडी का छापा पड़ने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह रीवा आए हुए थे, उन्हें राजेंद्र शुक्ला ने समझा दिया कि अभय मिश्रा को बोतल में बंद करो, नहीं तो 8 विधानसभा वो यह व्यक्ति हरा देगा, मेरी लड़ाई जनता स्वयं लड़ लेगी। आप सभी को पता है 3 बार राजेंद्र शुक्ला सिंगरौली के प्रभारी मंत्री रहे हैं। सिंगरौली प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, सीएम साहब से राजेंद्र शुक्ला के गहरे संबंध हैं। रीवा के कुशाभाऊ ठाकरे की बीजेपी नहीं है, राजेंद्र शुक्ला के ठेके की बीजेपी है। मुझे चुनाव से रोकने के लिए ईडी का छापा पड़ा है। मुझे विश्वास है कि सिमरिया की जनता मेरी लड़ाई लड़ लेगी। कि सिमरिया क्षेत्र की एक एक जनता जिसको मालूम है कि लड़ाई किस बात की, से तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, तुम मुझसे धोखा मत करो। और अगर मैं तुम्हारे लिए जेल जाने को तैयार हूँ, सब न्यौछावर करने को तैयार हूँ, और इसके बाद भी अगर तुमने साथ नहीं दिया और चुनाव में एक तरफा विद्रोह करके नहीं जिताया और इनको मैसेज नहीं दिया, तो कल तुम्हें तो वो कोई अभय मिश्रा नया पैदा नहीं होगा। वो कहेगा कि चलो समझौता कर लो, और कभी कोई आदमी सामने खड़ा नहीं होगा। ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी लड़ाई जनता लड़ लेगी, क्योंकि जनता अभी भी लड़ रही है। रोटी पलटी जाएगी, रोटी चली रोटी पलटी जाएगी। वो तो एक दूसरी बात थी, मैं तो राजनीति में आमतौर पर कहता हूँ। ये जेल में हमको जहर दे सकते हैं। किसके यहाँ छापा? हमारे यहाँ पड़ रहा है ना आज रात। इसकी जानकारी कैसे, जानकारी कैसे मिली सर आपको? हमको 48 घंटा पहले अल्टीमेटम दिया गया था। जेल, जेल के बाद चुनाव प्रचार। देखिए मुझे दिक्कत ये है कि ईडी में अगर ये हमको बस करें तो कोई दिक्कत नहीं, हवाई लड़ाई जनता लड़ लेगी, मुझे विश्वास। लेकिन ये थोड़ा सा समझाइए, लेकिन ये हमारी कंपनियां जितनी हैं, हमारी आठ सब में कहीं बच्चे हैं, कहीं पत्नी है, सब आदमी नाम लिखाते हैं, ये उनको सबको मुजरिम बना और सबको जेल भेजे। हमारी पत्नी कितनी सीधी साधी आप जानते हैं, वो भी जेल गए। क्या लगता है बच्चे भी जेल? किसके इशारे में हो रहा है सर, कुछ तो बता दीजिए। शुक्ला जी ने गृह मंत्री जी को परसों नरसों ये समझा दिया है, इस आदमी को बोतल के अंदर बंद करो, नहीं तो 8 सीट हरा देगा। और इनके कहने पर वो कन्वेंस होकर उन्होंने पूरी कार्रवाई वहाँ करा के आज यहाँ टीम उतर गई है, और कल शाम तक ये कार्रवाई चलेगी, और कल रात के बाद ही हमको जेल भेज देंगे। और ईडी की ये बड़ी जेल जाने से कोई डर कुछ ऐसा? मुझे जेल और जानने से डर नहीं है, मैं बचपन से लड़ते ही पैदा हुआ हूँ, मैं मरने को नहीं डरता, मैंने तो कफन बांध ही लिया। मैं जीवन में मरने उड़ने को नहीं डरता, ना मैं और किसी चीज़ों को डरता हूँ। मुझे इतना तकलीफ जरूर रहेगी कि मेरे बच्चे जो दून स्कूल के पढ़े हैं, लंदन में पढ़े हैं, PhD हैं, साउथ एशियन हिस्ट्री में मास्टर हैं, जिन्होंने किसी को, मुझे मालूम है कि आज मेरे यहाँ ईडी का छापा पड़ना है, मेरे यहाँ इनको कुछ नहीं मिलेगा। जब किसी को मालूम है पड़ जाएगा उसका ईडी का छापा पड़ना है, तो मिलेगा। सबको इतना मालूम है, पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।